सोनू इलाके में अज्ञात बदमाशों ने ट्रोले में आग लगाई है। सोनू गांव के समीप एक ट्रोले में ये आग लगाई गई है। आपको बता दें, आग लगाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जैसलमेर के सोनू से, जहां पर एक ट्रोले के अंदर आग लगाई गई है। फिलहाल आग लगाने के कारणों का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जैसलमेर से श्रीकांत व्यास। श्रीकांत, एक ट्रोला गाड़ी के अंदर आग की घटना सामने देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या आग के कारण रहे और किन लोगों ने आग लगाई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के रामगढ़ से लगता जो सोनू गांव का इलाका है, वहां अज्ञात बदमाशों ने जो है एक ट्रोले में आग लगा दी है। और आग लगाने का जो कारण है उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि क्या वजह रही, किस तरह का द्वेष रहा या फिर क्यों उन बदमाशों ने आग लगाई। जब आग की सूचना मिली तो नगर परिषद की जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी हद तक टोलना जो है वो जलकर राख हो चुका था। जो सीओ प्रियंका कुमावत है वो मौके पर पहुंची और जो है वहां का निरीक्षण किया है, वहां की डिटेलिंग जो है की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात का कारण क्या रहा है। अब तक जो स्थिति है उसमें वारदात का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, ना ही पुलिस अब तक कुछ जो है वो कैमरे पे बोलना चाह रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर जैसलमेर के सोनू से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रोले में आग लगाई गई, बदमाशों ने आग लगाई है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आग लगाने का कारण क्या रहा इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस समय पुलिस बल तैनात है और मौके पर पहुंचा हुआ है। आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर के सोनू गांव के पास ये घटना हुई है।